A very good morning, everyone. Welcome back to the channel, friends. और आइए, आज सैटरडे का दिन है और वीकेंड है नैनीताल में. और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो. और मैं हूँ अभी ठंडी सड़क बोट स्टैंड एरिया में. और यहाँ पे देखे तो एनसीसी कैडेट्स भी निकल ही पड़े हैं और वो लेक में हैं और सेलिंग की प्रैक्टिस चल रही है. और साइड बाय साइड उनका जो कि लर्निंग यहाँ पे प्रोसीड्योर चल रहा है और वो चल रहा है रोज़ का रोज़. और देखे तो आज नैनीताल में बहुत ही शानदार मौसम है और अच्छी सी धूप खिली है. और दिन के समय में हल्की सी जो कि धूप से गर्मी रहती है और बाकी ठंडा है नैनीताल में अभी भी. तो ठंडा का मौसम गया नहीं है. तो देखे तो मैंने आज भी दिन में टी शर्ट पहनने का वैसे हो रहा है धूप में, लेकिन प्रयास यही करें कि आप हुडी या स्वेटशर्ट में सफिशियंट है, इनफ है. और सुबह शाम के समय तो जैकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको पतली सी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या कुछ है. तो ये देखें, हम हैं इस एरिया में. तो यहाँ पे श्री माँ नैना देवी जी के बहुत ही शानदार एक मंदिर है और ये नैनी झील किनारे स्थित है. और यहाँ पे देखें ये एनसीसी कैडेट्स की सेलिंग बोट्स है और यहाँ से इनकी प्रैक्टिस जो कि कंडक्ट होती हैं. और इधर देखें तो यहाँ ये अभी लेक में है. तो ये ब्लू कलर की यॉट बोट्स जो कि एनसीसी कैडेट्स की ये यॉट बोट्स हैं. और ये देखें यहाँ से, और यहाँ से काफ़ी पर्यटक सैलानी अपनी नौकाएं कंप्लीट करके किनारे में आ चुके हैं. और काफ़ी लोग यहाँ से देखें तो इस तरफ से भी जाते हैं बोटिंग्स के लिए. तो ये देखें काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं. और देखें कुछ इस तरफ मैं हूँ मैं और यहाँ पर है ये बोट स्टैंड. चलिए चलते हैं बाहर की तरफ. तो आइए व्यूवर्स, और अभी हम हैं ठंडी सड़क में और यहाँ से देखें तो बोट्स का और नैनी लेक का बहुत ही एक अमेजिंग व्यू है. मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ. ये देखें यहाँ से, तो बड़ी ही शानदार कुछ बोट्स जो कि किनारे में यहाँ पे लगी हुई हैं अभी. और सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी लोग वॉक के लिए आते हैं. तो आज तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है जो कि मैं 9 बज ही गया है. 9 बजे के बाद का समय हो गया, 9:30 बज गया हुआ. तो ये देखें इस समय कुछ इतना सनशाइन है यहाँ पे. और प्रयास करें अगर आप ठंडी सड़क आ रहे हैं तो सुबह 7:30-8 बजे के बाद ही यहाँ पे सनशाइन आता है तो आप आ सकते हैं. जो कि अर्ली सनराइज़ की जो कि रेज होती है वो यहीं आती है वैसे. तो ऐसा कुछ है अभी का व्यू यहाँ से. और आइए, आज शनिवार का दिन है, श्री शनिदेव महाराज जी का आज दिन है. और हम पहुँच गए हैं ठंडी सड़क श्री शनिदेव महाराज जी के मंदिर के समीप हैं. और ये देखें ये मंदिर है. तो आइए मैं आपको प्रयास करता हूँ भगवान जी के दर्शन कराने के. तो आइए कीजिए और भगवान श्री शनिदेव महाराज जी के दर्शन. और ऐसी मान्यता है अगर आप भगवान के चरणों में देख के भगवान जी से कुछ मांगें तो आप भगवान अपने ब्लेसिंग्स ज़रूर आप पे वर्षा करेंगे अपने आशीर्वाद की. और देखें तो ठंडी सड़क में ग्लास हाउस का काम भी काफ़ी हद तक कम्प्लीट ही हो गया है. और ये देखें बड़ा ही अमेजिंग ये प्लेस है. और ठंडी सड़क में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि दूसरा मंदिर यहाँ पे श्री गोलूदेव महाराज जी का मंदिर है. तो ये न्याय के देवता माने जाते हैं तो हमारे उत्तराखंड में. और इनका मेन जो कि टेंपल है वो चंपावत में है, तो वहीं इसके हैं गुलजू महाराज. और सामने ही भगवान श्री शिव जी का ये मंदिर है. तो ये ऐसा है. और यहाँ से देखें तो श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का बेहद सुंदर एक दृश्य है. और यहाँ देखें तो यॉट बोट भी ऑर्गेनाइज है और ये सेलिंग कर रहे हैं एनसीसी के अध्यक्ष. तो ये देखें सारा मलिदाल का एरिया है और ये श्री माँ नैना देवी जी का टेम्पल है. यहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था अभी. तो ये चलते हैं आगे की तरफ. और यहाँ देखें तो सुबह सुबह जो कि नौकायन का लुफ्त उठा रहे हैं पर्यटक सैलानी. काफ़ी लोग आज नौकायन भी कर रहे हैं सुबह से ही. तो देखें चलिए चलते हैं आगे. और देखें तो सामने ही मॉल रोड पर लाइब्रेरी स्थित है मॉल रोड में. देखें बहुत ही अमेजिंग यहाँ से व्यू है. काफ़ी पर्यटक सैलानी इधर की तरफ नौकायन कर रहे हैं. ये देखें ये व्यूवर्स, और अभी पहुंच गए हैं श्री माँ पाषाण देवी जी के टेंपल के में ठंडी सड़क. और आइए इधर से प्रयास कराता हूँ आपको अगर दर्शन माता जी के होते हैं. और यहाँ से देखें नैनी झील का बहुत ही एक सुंदर दृश्य है. और ये देखें यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा है. और काफ़ी लोग अच्छे दिन नौकायन का लुफ्त उठा रहे हैं. तो आइए और देखें तो काफ़ी पर्यटक सैलानी जो कि नौकायन कर रहे हैं. और यहाँ से बड़ा ही अबव और अमेजिंग व्यू है.
देख लेते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहीं से मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं नीचे से ही बोटिंग में। तो आइए व्यूअर्स और कीजिए माता जी के दर्शन। तो कुछ ऐसी है माता जी, और माता जी का जो फेस है वो ये रॉक में उभरा है, और माता जी के दिन में काफ़ी पहर जो कि श्रृंगार होता है सुबह से ही। तो जाइए चलते हैं आगे की तरफ, और आइए व्यूअर्स। और अभी पहुंच गए हैं हम ठंडी सड़क सर्कुलर एरिया में, तो ये एरिया काफ़ी बेस्ट है। तो देखिए, तो अभी तो यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है, मगर ये एरिया बेस्ट है सुबह के समय योगा मेडिटेशन और ये सारा कुछ करने। यहाँ पे लोकल्स और एज वेल एज टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पे एंट्री फी यहाँ पे नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा है यहाँ से व्यू नैनी लेक का। ये सामने ही टंडली ताल डांट का एरिया है, और ये सारा ही मॉल रोड का एरिया है। और देखें तो यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये देखें, दो बोट्स यहाँ पे इनकी हैं। तो ये देखें, सब कुछ है। तो आइए व्यूवर्स, और समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आइए ऐसे देखते रहिए मेरे वीडियोस, और बहुत जल्द मिलूँगा अपने नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी अपना और ध्यान रखें, और अगर नैनीताल आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कृपया जो कि रोड रूल्स हैं और रोड के नियम अभी उत्तराखंड और नैनीताल पुलिस द्वारा जो कि जनहित में जारी हैं, और मैंने वो वीडियो बनाया है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूँगा। तो ऐसे ही आप उनको भी फॉलो कीजिए, और शहर आ रहे हैं तो होटल्स की प्री बुकिंग्स कराइए ताकि आपको शहर में एंट्री मिल जाए अगर शहर ओवरक्राउडेड रहे तो। चलिए, बहुत जल्द मिलूंगा नए वीडियो में, और आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए।